नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। जबलपुर गढ़ा थाना अंतर्गत पूर्वा जैन मंदिर के सामने एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद आनंद फानन में युवक को मेडिकल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद युवक को मृत घोषित कर दिया। युवक आर्मी की तैयारी कर रहा था, जिसके सिर में चोट के निशाने और मोबाइल गायब है, जिसके बाद युवक की हत्या की आशंका व्यक्त की जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की बारीकी से पड़ताल कर रही है, अब पूरी जांच के बाद स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। गढ़ा पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि अमन चौरसिया पिता सतीश चौरसिया 22 साल त्रिपुरी चौक का निवासी था, जिसका शव गढ़ा पूर्वा जैन मंदिर के पास सामने पाया गया। प्रारंभिक पड़ताल में पता चला है कि युवक के सिर में चोट का जख्म है और जेब से मोबाइल गायब है, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि युवक की धारदार हथियार से हत्या की गई है। वहीं पुलिस का अभी मानना है कि हत्याघात से भी युवक की मौत की आशंका है। फिलहाल पुलिस पीएम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जिसके बाद ही मामले का खुलासा हो सकेगा। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। ये कौन है? छोटा भाई है मेरा। क्या हुआ? सुबह निकला था रनिंग के लिए घर से, तो वहाँ से जैसे ही निकला हुआ है, 6:30-7 बजे, कितने बजे निकला, 6:30 के आसपास निकला है, और दौड़ने जाता रहा रोज। फिर पुलिस के द्वारा सूचना मिली हम लोगों को कि ये अपना मतलब जैन मंदिर के पास वो मतलब डला हुआ है अमन, तो वहाँ पे लेके जब देखे जाके देखे वहाँ पे, तो मिला उसको सिर में, यहाँ पे उल्टे तरफ में हाथ में और सिर में गंभीर चोट आई है, और फिर मेडिकल लेके आया तो उसको मृत घोषित कर दिया है, और अभी हम पोस्टमार्टम कर रहे हैं। हाँ, मैं संदेह किसी के ऊपर नहीं है, लेकिन साथ में वो मोबाइल लेके निकला था, मोबाइल उसके जेब में था, रोज़ लेके जाता था, आज भी लेके गया था, लेकिन वो मोबाइल नहीं मिला उसके जेब में। ये अग्निवीर जो निकली है अभी, उसकी तैयारी के लिए मतलब पेपर के लिए तैयारी कर रहा था, रोज़ जाता था, 1.5-2 महीने से जा रहा है पर डे, और आज अचानक जैन मंदिर में वो वहाँ पर डला हुआ मिला। 22 साल है, अमन चौरसिया नाम है उसका। हम लोग यहीं पंडा मढ़िया त्रिपुरी चौक जबलपुर, सचिन चौरसिया। ऐसी खबर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।